फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है। सो हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होता है। सो एनाटॉमी इज द साइंस इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी। इसका कहने का मतलब ये है कि एनाटॉमी में हम यूजुअली स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी का स्टडी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया हूँ फ्रेंड्स। हमने एक ह्यूमन एनाटॉमी का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ये हमारी माउथ है, ये हमारी ईसोफेगस है, ये हमारी लीवर है, ये हमारी स्टमक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये एनस। इसके माध्यम से हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनाटॉमी को आप कैसे समझ सकते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जैसे मैं ईसोफेगस के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो ईसोफेगस एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर है जिससे हमारी फूड माउथ से होकर स्टमक में पहुँचती है। तो माउथ से स्टमक तक पहुँचाने का कार्य हमारा ईसोफेगस करता है। तो ईसोफेगस का अपन स्ट्रक्चर जो स्टडी कर रहे हैं उसे अपन कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, इसकी स्टडी हम करते हैं कि ईसोफेगस इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज एनाटॉमी। फिजियोलॉजी की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, इसी में हम समझ लेते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है। तो फिजियोलॉजी माउथ से फूड को स्टमक तक ले आती है ईसोफेगस, तो इसको इसका ये फंक्शन हो गया। मींस फिजियोलॉजी में हम यूजुअली स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। हमारी बॉडी ऑर्गन की एक एक बॉडी ऑर्गन की फंक्शंस क्या स्पेसिफिक फंक्शंस होती है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स एनाटॉमी दो भाग में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। ग्रॉस एनाटॉमी में हम मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन का स्टडी करते हैं जैसे लीवर, लंग्स, किडनी और ब्रेन। इसके हम इसे कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म, जिसे हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लाइक सेल, टिश्यू और ऑर्गेनल्स, तो इसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स फिजियोलॉजी को। फिजियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, फिजियो और लॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो फ्रेंड्स फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के ऑर्गन की एक एक ऑर्गन की स्पेसिफिक फंक्शन होती है, तो स्पेसिफिक फंक्शंस को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। एक और एग्जांपल से मैं आपको फिजियोलॉजी को क्लियर करना चाहूँगा कि हमारी स्टमक की ये हमारी जो शेप है इसको हम एनाटॉमी कहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और इसकी फंक्शंस क्या है। जैसे स्टमक जब हमारी फूड पाइप जो ईसोफेगस होता है उसके थ्रू जब फूड हमारी स्टमक में पहुंचती है तो स्टमक से हमारा एसीएल रिलीज होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये हमारी स्टमक की जो फंक्शन होती है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहते हैं एनाटॉमी। अब हम आज के वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं जिसे हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसे हम परिसंचरक तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम जिसे मांसपेशी तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जिसे अंतरास्रावी ग्रंथि कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम जिसे लसिका तंत्र कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, और लास्ट हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को ब्रीफली में डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, स्केलेटन सिस्टम क्या है, सारे सिस्टम को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बार हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता क्या है। फ्रेंड्स तो हमारी फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड मटेरियल लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी में एज सच डाइजेस्ट नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। सबसे पहले जो हमारी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में एसेंशियल जो कंपोनेंट होता है जैसे एमिनो एसिड, फैट्स वगैरह, वो हमारी एब्जॉर्ब होती है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी ऑर्गन का, वो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, ये सारी हमारी मेन ऑर्गन होता है जो हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है। माउथ सबसे पहले जहाँ पे फूड लेते हैं फ्रेंड्स, हम माउथ में लेते हैं। ईसोफेगस एक पाइप की तरह काम करता है जो माउथ से स्टमक में फूड को पहुँचाने का कार्य करता है। फिर स्टमक में हमारी फूड अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 hours के लिए रुकता है, वहाँ से फिर हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है वहाँ पे पैलिस्टाइलिस मोमेंट के द्वारा हमारे फूड मूव करता है और इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन होती है और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू रिलीज हो जाता है।
फ्रेंड्स इसमें कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे सलेबरी ग्लैंड जो सलेबरी एमएलएज को बनाता है, ये हमारी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लीवर जो फ्रेंड्स होते हैं बाइल जूस बनाता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस होता है बनाता है जो हमारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फ्रेंड्स पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होता है, हार्मोन्स और यह हमारी एंजाइम को बनाने का जूस को बनाने दोनों का कार्य करता है, इसीलिए इसको पैंक्रियाटिक मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। फ्रेंड डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्पेशली पढ़ेंगे तब। सेकेंड सिस्टम हमारा स्केलेटन सिस्टम जिसे हिंदी में हम कंकाल तंत्र कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी को सपोर्ट और शेप देने का काम करता है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो खड़ा इस कारण हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारी बॉडी के जो पार्ट है हमारी हड्डी है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ आपके सामने। जैसे शेप हमारे हर ऑर्गन्स की एक स्पेसिफिक शेप है फ्रेंड, जैसे हमारे हेड है एक उसका अलग शेप है, हमारे हाथ की अलग शेप है, पैर की अलग शेप है, तो हमारी जो स्केलेटन सिस्टम होती है वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। स्केलेटन सिस्टम कनेक्टेड ऑल बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, इसका कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि हमारे स्केलेटन सिस्टम जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने का भी काम करता है। जैसे ये हमारी हेड है और ये हमारी फुट है, तो हेड और फुट को कनेक्ट करने के बीच बहुत सारी बोन आपस में जुड़ा हुआ है जो आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इस प्रकार से ये हमारी एक बॉडी से दूसरे बॉडी को कनेक्ट भी करता है। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक लंग्स हार्ट किडनी और ब्रेन, ये हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है हमारी बॉडी की जैसे लंग्स हार्ट किडनी और ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे, जैसे फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं हमारी जो अपर रिब्स होती है और लोअर रिब्स, अपर रिब्स जो होती है हमारी हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और लोअर रिब्स जो होती है वह हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करती है। हमारी जो ब्रेन होती है क्रैनियल बोन होता है फ्रेंड्स वह हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी प्रकार से बहुत सारी बोन्स हमारी आपस में मिलकर हमारी जो वाइटल ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। चिल्ड्रेन में स्पेसिफिक 300 प्लस बोन्स होती है और एडल्ट में 206 बोन होती है। हम डिस्कस करेंगे जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे कि 300 में से 206 हड्डी कैसे बचा, बाकी की हड्डी कहाँ गया, ऐसे करके हम डिस्कस करेंगे। फ्यूज हो जाती है जिसके कारण नंबर ऑफ बोन डिक्रीज हो जाती है एज इंक्रीजिंग एज, जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है वैसे हमारी नंबर ऑफ बोन डिक्रीज हो जाती है और एडल्ट में 206 बोन बचती है। तीसरा सिस्टम है फ्रेंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसे हिंदी में हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक फूड पाइपलाइन की तरह होती है, जैसे पाइपलाइन जैसे हम पानी को एक जगह से दूसरे जगह पाइप का यूज करते हैं, जस्ट सिमिलरली हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होती है जो बहुत सारे एसेंशियल हार्मोन न्यूट्रिएंट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये सारी को कैरी करने का काम करता है। ये हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है, ये ट्रांसपोर्ट ब्लड हार्मोन एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम इन्वॉल्व होता है। इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व है फ्रेंड्स वेन आर्टरी सेल्स और हार्ट। वेन आपको मालूम है फ्रेंड्स कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन से हार्ट में लाने का काम करता है और आर्टरी फ्रॉम हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन से हार्ट में लाने का काम करता है और हार्ट से आर्टरी हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई करता है। हार्ट में हमारा स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिसे हम कार्डियक सेल्स कहते हैं। हार्ट हमारे पंपिंग डिवाइस होता है जो ब्लड को पंप करता है। स्पेसिफिक जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल में सारे सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नेक्स्ट सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हिंदी में हम श्वसन तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। हमारी एवरी बॉडी सिस्टम रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन। फ्रेंड्स हमारे जितनी भी बॉडी सिस्टम है सारे सिस्टम्स में सेल्स है, सारे सिस्टम की सेल्स को प्रॉपर काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो ऑक्सीजन किससे मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सपोर्ट करता है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए। हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ जो सेल्स होते हैं वहाँ पे हमारे आपको मालूम है कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है जहाँ पे एटीपी हमारी स्टोर होता है जिसे हम रिजर्व एनर्जी के रूप में जानते हैं। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज भी करता है। ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व जो होता है फ्रेंड्स नोज ट्रैकिया ब्रोंकस
एल्वियोला और लंग्स होता है। आपको मालूम है कि जो एल्वियोला होता है उसे हम पार्ट ऑफ एक्सचेंज गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में एक दूसरे इसको एक्सचेंज करता है ड्यू टू हायर पार्शियल प्रेशर। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। अगला हमारा सिस्टम है ब्रेन मस्कुलर सिस्टम, जिसे हम मांसपेशी तंत्र भी हिंदी में कहते हैं। मस्कुलर सिस्टम हमारे क्या इंपॉर्टेंट है इसको सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स। इसमें 650 मसल अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को मोशंस प्रोवाइड करता है, ब्लड सर्कुलेशन एंड हेल्प इन द अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी। फ्रेंड्स जो मस्कुलर सिस्टम है, जैसे मैं बताता हूँ कि हमारी एक बोन दूसरी बोन से कनेक्ट है, लिगामेंट और टेंडन जो मदद करता है हमारी बोन टू मसल्स और मसल टू बोन कनेक्ट करने के, तो मस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। यूजुअली 3 प्रकार की मसल्स होता है, मसल्स होता है जैसे बोन मसल्स, सॉफ्ट मसल्स और कार्डियक मसल्स। बोन मसल जो होता है फ्रेंड्स हड्डी की मूवमेंट में मदद करता है, लिगामेंट टू टेंडन बोन टू मसल्स और मसल टू लिगा मसल टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, उसे हम बोन मसल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। सॉफ्ट मसल जो हमारे वाइटल ऑर्गन होता है जैसे लंग्स, लीवर, किडनी, ब्रेन, उसके अंतर्गत प्रेजेंट होता है। कार्डिक मसल स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जो हमारी कार्डिक हार्ट में प्रेजेंट होता है। अगला सिस्टम है ब्रेन यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा उत्सर्जन का मतलब होता है जो हमारे वेस्ट मटेरियल ब्लड में है जैसे यूरिया, उसको फिल्ट्रेट करके बॉडी से बाहर करना। तो यूरिनरी सिस्टम्स में दो हमारी किडनी, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लेडर, ये सारे इन्वॉल्व होता है यूरिनरी सिस्टम में। आपको मालूम है फ्रेंड जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं यूरिन को बनाता है, किडनी के माध्यम से हमारी जो यूरेथ्रा होता है यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन को डिस्चार्ज कर देता है। तो इस प्रकार के सारे इन डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। यूरिनरी ब्लेडर्स में हमारी यूरिन स्टोर हो रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू इलिमिनेट होता है। यूरिनरी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। ये हमारी रिजॉर्प्शन ऑफ मिनरल और वाटर, जैसे जब हमारी किडनी में फिल्टर होती है तो बहुत सारी रीऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। रीऑब्जॉर्प्शन जैसे कुछ प्रोटीन रीऑब्जॉर्ब होता है, मिनरल रीऑब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोलाइट रीऑब्जॉर्ब होता है, सारे हम पढ़ेंगे जब यूरिनरी सिस्टम को पढ़ेंगे तब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सारे सिस्टम में से नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें तो ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल को, मूवमेंट को हमारी बॉडी को। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री को हम ब्रेक में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छित, जिसे हम कहते हैं इच्छा अनुसार, इच्छे के अनुसार। जैसे फ्रेंड्स हम आपके सामने हाथ को रोटेट कर पा रहे हैं, हाथ को हिला पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं अपने हाथ को हिलाना, इसीलिए हम अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल को पढ़ते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपने इच्छे के अनुसार और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक फ्रेंड, जो हम अपने इच्छे के अनुसार नहीं करते। जैसे हमारी जो आईलिड है फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिकली मूव करते रहता है, जैसे जो हमारी हार्ट है ऑटोमेटिकली पंप करते रहता है, जो हमारी जीआईटी ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते, हार्ट को आप चाह कर भी रोक नहीं सकते, तो इसी को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें स्पेशल टाइप का सेल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और आपको जैसे मालूम है कि न्यूरॉन्स इज द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल्स हमारी न्यूरॉन्स होती है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि सारे सिस्टम को अप्रोक्सीमेटली नर्वस सिस्टम कनेक्ट करके रहता है, सारे सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे सेंसेशन ऑफ हंग्री, एंगर, पेन, थ्रस्ट, कोल्ड, वार्म में एग्जांपल लिया हूँ। जैसे फ्रेंड्स जब कभी भी हमें भूख लगता है तो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी ब्रेन जो कनेक्ट होती है उसको इन्फॉर्म करता है। जैसे एंग्री गुस्सा, जब कभी भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एड्रिनल ग्लैंड होता है जो हमारी किडनी के ऊपर, वहाँ से एड्रिनल सिक्रेट होता है और वो सपोर्ट करता है, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे थ्रस्ट, जब कभी भी हमें प्यास लगता है, हमारी बॉडी में दर्द होता है, जब कोल्ड वार्म, जैसे फ्रेंड्स मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कभी भी हीट में हमारी हाथ चला जाता है तो हम तुरंत हटा लेते हैं क्योंकि हमारी ब्रेन हमें इन्फॉर्म कर रहा होता है कि आप यहाँ हटाओ हाथ को, अदरवाइज आपके हाथ जल सकता है। तो इस प्रकार की जितने भी कंट्रोल होती है कोल्ड वार्म से सारे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। ब्रेन रिब्स बोन्स एक नेटवर्क की तरह कनेक्ट होती है नर्वस सिस्टम में फ्रेंड्स, तो ये डिटेल में हम देखेंगे। हमारा अगला सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हिंदी में हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की 8 ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, उनमें से मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ जैसे पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस और किडनी। पैनक्रियाज आपको मालूम है फ्रेंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है, और चूंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन
ग्लैंड दोनों टाइप्स की पैंक्रियाज में हमारी मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्मोन्स और पैंक्रियाटिक जूस को बनाता है, दोनों फंक्शन होता है इसलिए पैंक। ये क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है क्योंकि यहाँ से हमारी इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल्स से, और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओवरी क्या होता है फ्रेंड, हमारी ओबम बनाने का काम करता है जो स्पेशली फीमेल में होता है। टेस्टिस क्या होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करता है जो मेल सेक्स हार्मोन है। किडनी क्या होता है फ्रेंड, किडनी के बहुत सारे फंक्शन होता है जिसमें से किडनी हमारे रेनिन को सिक्रीट करता है, और रेनिन क्या है एक प्रकार की एंजियोटेंसिस को काम करता है जैसे हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है जो हमारी किडनी से बनता है जो हमारी बोन मेरो में आरबीसी ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, तो किडनी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। अगला सिस्टम फ्रेंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में प्रजनन तंत्र कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण ही हम और आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही जाति का अस्तित्व रखना, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है, प्रजनन तंत्र जैसे हम कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ मेल और फीमेल, एक मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जब आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्या होता है एक नए ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट होता है। जैसे मेल सेक्स हार्मोन आपको मालूम है एक्स वाई, और फीमेल सेक्स हार्मोन जो सेक्स होती है वो एक्स एक्स होती है। जब एक्स एक्स मिलती है तो फीमेल ऑर्गेनिज्म बेबी डेवलप होगा, एक्स वाई मिलता है तो मेल बेबी डेवलप होगा, और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे हमारी डाउट क्वेश्चंस होती है कि हर व्यक्ति की फिंगरप्रिंट अलग क्यों, हर व्यक्ति की हमारी जो लेंस आयरिस है वो अलग क्यों, सारे हम डिस्कस करेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। जुड़े हुए बच्चे कैसे जन्म लेते हैं सारे चीज को हम डिस्कस करेंगे। अगला सिस्टम है फ्रेंड और लास्ट सिस्टम इस वीडियो का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसे हिंदी में हम लसिका तंत्र कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब कभी भी हमारी बॉडी में किसी प्रकार की इंजरी होता है, चोट लगता है, तो हमारी WBC आपको मालूम है कि वो इंजरी पार्ट में पहुंचता है और हमारी बॉडी को हीलिंग करने में मदद करता है, अलग प्रकार के सेल को एक्टिवेट करता है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। इसमें ये भी एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरह ही है, जिसमें फूड एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर की तरह होता है जहाँ से WBC एक जगह से दूसरे जगह मूव होता है। इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स लिम्फेटिक नोड्स होता है, लिम्फ वेन्स होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप पूरे स्क्रीन का स्क्रीन शॉट ले सकते हो। मैं इस पूरी वीडियो का फ्रेंड्स से एक PDF बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आप उसे डाउनलोड करके और अच्छे से इस वीडियो को समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।